संसद से हुआ मंदिर निर्माण ट्रस्ट का ऐलान, मंदिर का प्लान, राम मंदिर निर्माण मोदी का प्लान है। संसद से हुआ ऐलान ट्रस्ट का, मंदिर निर्माण ट्रस्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली। ट्रस्ट का नाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। सत्येंद्र दास जुड़ रहे हैं, रामलला के पुजारी। सत्येंद्र दास जी, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी पर। बड़ा दिन अयोध्या के लिए, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण में अब ट्रस्ट का ऐलान दिल्ली से हो गया, संसद से प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि अब केवल 3 दिन ही बचा था समय, जो 3 महीना का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था, इसलिए यदि आज कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। और अब समझिए कि राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा नहीं रह जाएगी, जल्दी से जल्दी निर्माण शुरू हो जाएगा। और 27 वर्षों से त्रिपाल में पड़े भगवान रामलला अब निश्चित है कि भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए जो ट्रस्ट की घोषणा हुई है, अब रही बात नामों की घोषणा, कितने लोग होते हैं उसमें सम्मिलित, सभी नाम की घोषणा हो जाए जिससे कि कार्य जो है इसी महीने से प्रारंभ हो जाए। और इसी महीने से प्रारंभ हो जाता है तो वह समय जल्दी से जल्दी मंदिर बन जाएगा और रामलला भव्य मंदिर विराजमान हो जाएंगे, ऐसी आशा है जी। सत्येंद्र दास जी, चुनौतियां देखते हैं आप कहीं ना कहीं, जिस तरीके से ट्रस्ट में शामिल होने को लेकर, तालमेल को लेकर कई लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की। सत्येंद्र दास नहीं हो रहा है जी, जब तक नाम घोषणा नहीं हो रहा तभी तक चुनौती है। जिस दिन नाम की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा हो जाएगी, सारे जितने भी विवाद है, जो कुछ भी किसी प्रकार के हो, सब खत्म हो जाएंगे। और बिल्कुल जो ट्रस्टी होंगे, जिनकी नाम की घोषणा होगी, उन्हीं के माध्यम से मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। और जो भी लोग हैं राम भक्त, जिनका नाम आएगा, उन सब नामों का ही सम्मान करेंगे, घोषणा करेंगे जब प्रधानमंत्री जी, तो उनका सभी लोग सम्मान करेंगे कि इसी यह जो ट्रस्ट बना है बहुत अच्छा है, बहुत अनुभवी है और लोग हैं। निश्चित है कि सारे विवाद जो कुछ भी इधर उधर से आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा और राम भक्त उन्हीं का सम्मान करेंगे जिनका केंद्र सरकार और नामों की घोषणा कर देगी। जी सत्येंद्र दास जी, अब इंतजार है नामों का, नाम आएंगे सामने, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, जवाब इस बात का कि राम मंदिर ट्रस्ट की जो रूपरेखा होगी किस तरह से होगी, ट्रस्ट में मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे, चारों मठों के शंकराचार्य की बात होती रही है, आपके जरिए समझना चाहूंगा किस तरीके का होगा वो, तालमेल कैसे बिठाया जाएगा। जो रामलला के लिए समर्पित है, जो लोगों ने बलिदान दिया है, जो आंदोलन में रहे, उनका नाम आना चाहिए। और जो जो भी रामलला के प्रति समर्पित है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी आना चाहिए जो अनुभवी हो और बुद्धिजीवी हो, जिनका अनुभव हो, और जिससे कि साथ ही साथ त्यागी हो, जिससे किसी प्रकार का कोई भी आपसी समझौता में अंतर न पड़े और कोई भी कार्य किराए से हो और कोई भी बाधा बीच में न आवे। इसलिए जो रामलला के प्रति समर्पित है और जो त्याग करते हैं, ऐसे लोगों को, मनमोहनी लोगों को उस ट्रस्ट में करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई भी ऐसा बात न आवे कि ट्रस्ट में और कि ट्रस्ट के लोग भी इस प्रकार से कोई गलत काम न करें, जो करें वो रामलला के लिए करें और रामलला को समर्पित होकर के करें जी। एक और दूसरा पहलू सत्येंद्र दास जी, बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि मस्जिद के लिए भी जमीन का ऐलान हो गया, 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलेगी और तकरीबन 25 किलोमीटर दूर जहाँ पर जमीन दी गई है मस्जिद के लिए, ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है अयोध्या के लिए। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और सरप्राइजिंगली कह दिया कि ट्रस्ट बनाइए। हमको समझ में नहीं आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। प्रधानमंत्री आज हाउस के अंदर ये बात भी कह रहे थे कि मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं वो भारत निर्माण में उनका सहयोग है। और प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर चले थे नरेंद्र मोदी, हम वो भी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर आगे बढ़े थे, हम कैसे भूलें वो, हम कैसे भूल जाए 6 दिसंबर को मस्जिद की डिमोलिशन हुई, हम कैसे भूल जाएं कि उसमें मूर्तियां रखी गई थी 1948 में दिसंबर में,
और फिर ताले खोले गए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जिनके ऊपर केसेस चल रहा है, अडवाणी के ऊपर आपने पद्मश्री दे दिया उनको, तो ये कैसे हम भूलेंगे? तो फैक्ट है ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम डेमोलिशन को याद रखेंगे, अपनी मस्जिद को याद करते रहेंगे और हम हमारी नस्ल को बताएंगे कि इस जगह पर 500 साल तुम्हारी मस्जिद थी जिसको इन्होंने क्रिमिनल तरीके से डिमोलिशन किया और ये नेशनल शेम है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव से पहले ये घोषणा हुई है। अब यही तो है ना कि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पिरिट भी तो मानना पड़ेगा बीजेपी को। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे, पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन में। वैसे स्वागत करते हैं कि नहीं इस फैसले को, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और नियमों के हिसाब से नहीं नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इट इज नॉट इनफैलेबल। एक मिनट, ट्रस्ट का ऐलान हो गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, शिवसेना हमेशा से प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर निर्माण का ट्रस्ट का जो ऐलान किया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन आप सभी को पता है राम मंदिर निर्माण का निर्णय देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, भव्य राम मंदिर निर्माण का, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आदर करना सरकार का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गृहमंत्री जी ने कहा कि 15 मेंबर होंगे उस ट्रस्ट में और उसमें एक दलित भी होगा। देखिए वो अब ट्रस्ट में कौन होगा क्या होगा ये उनकी बात है, लेकिन मंदिर निर्माण का कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये निर्माण होगा, यानी पूरी तरह से ये कानूनन प्रक्रिया है। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले ऐलान हुआ। देखो आप तो ये आप उस बारे में प्रधानमंत्री बता सकते हैं या गृहमंत्री बता सकते हैं, उसका क्या परिणाम दिल्ली की विधानसभा चुनाव पर होता है ये 11 तारीख के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं उसमें राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ। मैं सर्वोच्च न्यायालय का भी अभिनंदन करूँगा और प्रधानमंत्री का भी करूँगा। जी हाँ, मोदी जी के अंतःकरण में प्रबल भावना है। लोग कहते थे कि मोदी जी अड़ोस पड़ोस आते हैं लेकिन अयोध्या नहीं आते, बराबर मैं कहता रहा कि मोदी जी के अंदर ये प्रबल भाव है। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में जा करके संकल्प लिया था, तभी मैं आऊँगा गुजरात जब मंदिर ले लूँगा, उसी प्रकार से मोदी जी के अंदर भावना थी और मंदिर को ले लिया। और मोदी जी के अंदर प्रबल भाव है कि अयोध्या का सर्वांगीण विकास किया जाए, जो विश्व में प्रथम धर्म स्थान हो, ये उनकी प्रथम प्रबल भावना है। राम जी की जन्मभूमि पर प्रबल बढ़िया दिव्य भव्य भगवान श्री राम जी के का मंदिर बनकर के तैयार होगा और उसका खूब विकास की बहुत बड़ी योजना है और उसकी राम जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या का भी विकास होगा। महाराज जी, राम मंदिर का निर्माण अब होना है तो इसको लेकर के अब क्या लगता है कि पीएम मोदी जी अब आकर के यहाँ पर अपना नतमस्तक हूँ? अब तो नतमस्तक क्या हो, तो कहने की बात थोड़ी है। उनका संकल्प पूरा हो गया, जो संकल्प था राम जन्मभूमि ले लेंगे। हमारी जब बात हुई वहाँ अमित शाह से, अमित शाह ने कहा कि महाराज जी मोदी जी के अंदर भाव है, क्या मुंह दिखाने हम अयोध्या जाएं, और वो संयोग हुआ, भगवान की कृपा हुई, राम जन्मभूमि ले लिया मोदी जी ने। अब उनके माने तो आएंगे, सब कुछ के सर्वांगीण विकास के लिए वो सब प्रकार से तैयार हैं। महाराज जी, इसको लेकर के कितना संत महंतों में उत्साह है और क्या लगता है कि अब जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण शुरू होगा? अब शुरू होने वाला है, जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला। कुछ नक्शा, बड़ा बड़ा नक्शा लोगों ने दिया था, उनसे पूछा गया कितने दिन में बनेगा, कहा 20 वर्ष, लेकिन हमारे पुराने महापुरुषों ने, अधिकारियों ने कहा नहीं, हमें 20 वर्ष नहीं चाहिए, हमें 2 वर्ष में राम जी का जन्मभूमि चाहिए, 2 वर्ष के अंदर राम जी की प्रतिष्ठा हो जाए, तो जल्दी काम शुरू, बस बिल्कुल तैयारी हो चुकी है।
और जैसा कि पहले से हमारा मैप प्रस्तावित है उसी प्रस्तावित नक्शे पर ही राम जन्मभूमि बनेगा। 141 फीट ऊंचा शिखर रहेगा राम जन्मभूमि का और उसके विकास के लिए चारों तरफ जीवन भर हम प्रयास करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, अयोध्या का विकास करते रहेंगे, अयोध्या का सर्वांगीण विकास होगा, ये मोदी जी की प्रबल इच्छा है। महाराज जी विहिप का ये भी एक मंशा थी कि जो है जो प्रस्तावित मॉडल है उससे भी भव्य मंदिर का? नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात, विहिप का के तो यही इच्छा है प्रारंभ से ही। जो अशोक जी की भावना थी, हमारे महापुरुषों की भावना थी, उसी के अनुरूप मंदिर बनेगा, उन्हीं पत्थरों से मंदिर बनेगा। अब ये उसको सजाने के लिए हमारा बहुत बड़ा वो है। अच्छा जी, खूब सजाया जाएगा। मार्ग था वो प्रशस्त करके प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आज घोषणा किया है उससे देश भर में राम भक्त और तमाम ऐसे लोगों को, पूरे देशवासियों को एक अच्छा जुनून के रूप में और एक उत्साह के रूप में लोग उत्साह संचारित हो गया है और सब लोग कार सेवा में हम सब लोग जाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। जो हम लोगों ने संकल्प लिया था मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, वो संकल्प पूरा हुआ, पूरे देशवासियों का सपना पूरा होगा। भाई राम, आपने देखा कि सामाजिक सौहार्द तो इतनी, जो राम मंदिर के निर्माण की बात जब आई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, पूरे समाज के लोगों ने उसको सराहा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर कौम के लोगों ने। और राम किसी एक कौम का नहीं, राम तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे रोम रोम में रमा हुआ है। ये राम कोई रोम का नहीं, ये तो राम भारत का है, भारत के लोगों ने, और पूरे विश्व का है, पूरे विश्व के लोगों ने इन्हें अपनाया है। तो ऐसा राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लोकतंत्र का मसीहा राम, ऐसा राम जो सबके दिल में बसने वाला राम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका राम, आपका राम, हमारा राम, सबका राम। कि नागरिक जो दुनिया में हैं, जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, और भगवान राम भारत में सभी धर्मों के आदर्श पुरुष हैं, उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में ट्रस्ट की सदन में घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये भारतवासियों के लिए संपूर्ण देश में और संपूर्ण विश्व में बहुत ही गर्व और उल्लास का दिन है। इसे अपने जीवन काल में राम मंदिर के निर्माण की बात सुन करके और निर्माण शुरू होने की प्रक्रिया देख के जो उल्लास आ रहा है वो शब्दों में, क्योंकि मैं तो अयोध्या आंदोलन में सबसे पहले 1990 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध किया था उस समय की सपा सरकार ने। आपने ध्यान से सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की इस निर्णय के बाद जो परिपक्व व्यवहार दिया उसके लिए देशवासियों का अभिनंदन किया है। हमें भरोसा है देशवासी इन सब चीजों को सकारात्मक रूप से लेंगे। की घोषणा कर दी है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र उसका नाम रहेगा, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, क्या कहेंगे सर आपकी पहली प्रतिक्रिया? बहुत अच्छी बात है, इसका काफी दिनों से सब कुछ और अब आज घोषणा हो गई है, चीजें निर्धारित समय सीमा से चल रही है। सर दशकों से लड़ाई चल रही थी, लड़ाई कोई नहीं थी, विवाद था, विवाद उनके द्वारा था जो जमीन की चीज का अपने लिए फायदा उठाना चाहते थे। मैं फौज के अंदर, फैजाबाद के अंदर रहा हुआ हूँ, जहाँ के लोकल लोग, जो स्थानीय नागरिक हैं, कोई उनके दिल नहीं था। सब जानते हैं कि राम मंदिर की आस्था क्या है, श्रद्धा क्या है, और वो उसके सब सबके सब सही होते हैं। सर सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन जो कि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश था उसके हिसाब से दी गई है, क्या लगता है इससे सांप्रदायिक सौहार्द जो अयोध्या में है? सांप्रदायिक सौहार्द अयोध्या में है, ये सौहार्द अयोध्या के बाहर नहीं है, लेकिन अयोध्या के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि सरकार की तरफ से जो लोग सरकार में शामिल हैं, कौन कौन वहाँ पर शिलान्यास के लिए अपनी तरफ से एक सरकार फैसला करेगी उसमें वो लोग जाएंगे, ऐसी कोई, आप जाइए जरूर आप लोग कवर करने के लिए। और हम लोग सीधे पहला डोनेशन महावीर मंदिर का हो, और महावीर मंदिर ने फैसला आने के 3 सप्ताह के अंदर वहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं रामलला जी का दर्शन करने,
सबको राम रसोई के नाम से सुंदर स्वादिष्ट भरपूर भोजन दे रहे हैं। रामलला की जय जयकार हो रही है, वो हम लोग कर रहे हैं। इस ट्रस्ट का नाम रखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। आप कितने दिन में सोचते हैं कि अब मंदिर बन जाएगा, अब रास्ता से सारे खुल गए, अब कहीं व्यवधान नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि 2020 में गर्भगृह बन जाना चाहिए। बाकी मंदिर किस डिजाइन का बनाते हैं, जो डिजाइन लोगों ने प्रचलित कर रखा है उसमें बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ स्तंभ इन लोगों ने बना रखे हैं। ये लोग यदि जाते हैं सबसे बड़े मंदिर के लिए उसमें बहुत समय लगेगा। तो यह निर्भर करता है कि किस तरह का, अब तो जो ट्रस्ट बनेगा वो तय करेगा किस ढंग का मंदिर बनेगा। जैसा मंदिर बनाएंगे वैसा समय लगेगा। ये राम जी, रामलला जी अभी भी टेंट में हैं, उनका अपना घर, अपनी छत, सोने का घर तुरंत बन जाना चाहिए। यही मेरी और देशवासियों की, राम भक्तों की आकांक्षा है। अयोध्या में नया सूर्योदय, आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जुड़ी ये बड़ी खबर। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, हर्षोल्लास में डूबे राम भक्त और साधु संत, वो इसलिए क्योंकि रामलला के मंदिर के लिए, मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का ऐलान हो गया।